दोस्तों आईपीएल के सेकेंड हाफ में मैंने तो लाखों रुपए जीते हैं, और हाँ T20 वर्ल्ड कप में भी मैं एमपीएल पर टीम बनाकर खेलूंगा और खूब इनाम जीतूंगा। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के मुकाबले से ठीक दो दिन पहले जारी हुई भारतीय टीम के प्लेइंग 11, किसे मिला है टीम में मौका और कौन हुआ है प्लेइंग 11 से बाहर, बताएंगे आपको इस खास वीडियो में। आगे ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 में भारतीय टीम का दूसरा मुकाबला 31 अक्टूबर को न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के साथ होना है। दोनों टीमों के बीच यह रोमांचक मुकाबला दुबई स्थित दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मुकाबले में टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान शाम 7 बजे मैदान पर उतरेंगे। वहीं मैच का असल रोमांच आधे घंटे बाद यानी 7:30 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाले इस मुकाबले में T20 वर्ल्ड कप 2021 में बने रहने के लिए हर हाल में जीत हासिल करनी होगी। ऐसे में कप्तान विराट कोहली इस हाई वोल्टेज मुकाबले में पिछली बार की प्लेइंग 11 में कुछ बड़े बदलाव कर सकते हैं। ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ निराशाजनक प्रदर्शन करने वाले मध्यक्रम के अनुभवी बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को बाहर बैठना पड़ सकता है। वहीं मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती के ऊपर भी गाज गिर सकती है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैंने आईपीएल में डेली 20 से ज्यादा टीम बनाई थी, इसलिए मैंने जीते हैं पूरे 5 लाख रुपए, और T20 वर्ल्ड कप में भी अब मैं 25 से ज्यादा टीम बनाकर खेलने वाला हूं और लाखों रुपए कमाने वाला हूं। मैंने 19 टीम बना ली है और आप मेरी 20वीं टीम स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और एक कमाल की बात और बता दूं, अब इंडिया के मैच वाले दिन आप जीत सकते हो पूरे 2 करोड़ रुपए, साथ ही 35 रुपए के डिपॉजिट करके आप 1000 तक का कैशबैक भी पा सकते हो, और चाहो तो एमपीएल पर फ्री में अपनी टीम बनाकर खेल सकते हो और लाखों जीत सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर एमपीएल को डाउनलोड कर लीजिए। तो दोस्तों आइए ऐसे में नजर डाल लेते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ कैसी है टीम इंडिया की प्लेइंग 11। तो दोस्तों फिर से एक बार रोहित शर्मा और केएल राहुल की सलामी जोड़ी न्यूजीलैंड के खिलाफ भी मैदान पर उतरती हुई नजर आएगी। वहीं तीसरे नंबर पर कप्तान विराट कोहली मोर्चा संभालेंगे, जबकि नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव की जगह ईशान किशन को टीम में मौका मिलेगा। नंबर 5 पर विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत खेलते हुए नजर आएंगे। वहीं नंबर 6 पर रविंद्र जडेजा, जबकि नंबर 7 पर शार्दुल ठाकुर टीम की प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। नंबर 8 पर फिर से एक बार भुवनेश्वर कुमार को टीम इंडिया में मौका मिल सकता है, जबकि नंबर 9 पर जसप्रीत बुमराह टीम की प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। वहीं नंबर 10 पर मोहम्मद शमी, जबकि नंबर 11 पर रविचंद्रन अश्विन को टीम में खिलाया जाएगा। तो दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाफ कुछ ऐसी हो सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग 11। दोस्तों अगर अभी तक आपने एमपीएल पर टीम नहीं बनाई है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर एमपीएल ऐप को डाउनलोड करो, मेरी तरह टीम बनाओ और पैसे जीतो।